नालंदा विश्वविद्यालय एशिया की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। ये वो जगह थी जहां एक साथ 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ाई करते थे। भारत ही नहीं बल्कि तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया के छात्र यहां आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। मतलब उस समय ये एजुकेशन हब था, पूरी दुनिया में इसका नाम था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि दुनिया भर में मशहूर ज्ञान का वो मंदिर जिसने दुनिया को ना जाने कितने बड़े वैद्य, गणितज्ञ और राजा दिए, लेकिन अब वो एक खंडर में कैसे तब्दील हो गया, बताएंगे आज आपको। नमस्कार, मैं हूं अनमोल कुमार और स्वागत है आपका संस्कार टेल्स पे। आज भले ही हमारा देश शिक्षा के मामले में कई देशों से पिछड़ा है, यहां के छात्र बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब बाहर के लोग यहां आकर पढ़ाई करते थे। जी हां, ये सही सुना आपने, और ये वही जगह है जो दुनिया भर में अपनी शिक्षा को लेकर जाना जाता था। कभी यहां छात्रों की चहलकदमियां हुआ करती थी, आज यहां खंडर है। लेकिन एक जमाने में यहां भी इमारतों में वेद मंत्रों का उद्घोष हुआ करता था। नालंदा, नालम और दा। नालम यानी कमल और दा यानी देने वाला, मतलब ज्ञान देने वाला, या ज्ञान का केंद्र भी कह सकते हैं। कुछ लोग तो इसे दो शब्दों नहीं बल्कि तीन शब्दों ना, अलम और दा, जिसका अर्थ होता है बिना किसी रुकावट के ज्ञान देने वाला। आपको यहां ये जानकर हैरानी होगी और शायद कम ही लोगों को पता होगा कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी तक्षशिला के बाद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा थी। जिसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी, और यूनिवर्सिटी की संरचना स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना थी। खंडहर में तब्दील इस इमारत ने अपने अंदर कई इतिहास और कई कहानियों को सहेज रखा है। एक समय ये पूरा परिसर छात्रों से भरा रहता था, तो आज इसके बारे में जानने के लिए यहाँ पर्यटक पहुंच रहे हैं। लेकिन ये खंडहर में कैसे बदला, इसको बताने से पहले ये बताते चले कि यहाँ इस विश्वविद्यालय के अंदर क्या क्या था। नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। यहाँ की दीवारें इतनी चौड़ी हैं कि इनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरों के साथ 7 बड़े बड़े हॉल थे, जहां करीब 10,000 छात्र एक साथ पढ़ाई करते थे, जो भारत के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से आते थे। उन्हें पढ़ाने के लिए यहां 2,000 शिक्षकों की व्यवस्था थी। कहा जाता है कि ये दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। कहते हैं कि यहाँ प्रवेश पाना बहुत मुश्किल था। छात्रों को प्रवेश परीक्षा के 3 कठिन दौर से गुजरना पड़ता था। एक बार अगर यहाँ किसी का दाखिला हो गया तो उनका यहाँ रहना खाना बिल्कुल मुफ्त था। यूनिवर्सिटी का पूरा खर्च वहाँ के राजघराने और अन्य राजाओं के साथ ग्रामीणों की आर्थिक सहायता से चलता था। कभी ज्ञान के फलक पर चमकते इस विश्वविद्यालय के साथ ऐसा क्या हुआ
कि दुनिया भर में जिसका नाम था वो आज एक खंडहर में बदल गया। इतिहास बताता है कि नालंदा ने एक नहीं बल्कि तीन तीन आक्रमण को झेला था। सबसे पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय 455 से लेकर 467 ईस्वी के बीच में मिहिरकुल के नेतृत्व में हुणों ने किया था। लेकिन स्कंदगुप्त के वंशजों ने न सिर्फ नालंदा को दोबारा बनाया बल्कि इसे पहले से भी बड़ा और मजबूत बनाया। फिर सन 1161 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने भारत पर आक्रमण कर यहाँ की धन संपदा को जमकर लूटा। साथ ही नालंदा के सबसे बड़े वैद्य शीलभद्र की तेज बुद्धि से हारने के बाद और बदला लेने के ख्याल से शीलभद्र की ज्ञानस्थली को ही पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से पूरे विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया। कहते हैं कि बख्तियार खिलजी ने जिस समय इस विश्वविद्यालय में आग लगाई थी उस समय यहाँ 90,000 से ज्यादा किताबें थी जो कई महीनों तक जलती रही। हालांकि गुप्त वंश के शासकों ने नालंदा विश्वविद्यालय को एक नया जीवन देने की पूरी कोशिश की थी लेकिन बदलते वक्त के साथ भारत का ये गौरवशाली इतिहास खंडहर में तब्दील हो गया। तो इस तरह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एक खंडहर में तब्दील हुई। हालांकि एक बार फिर से इसका नया कैंपस यहां से कुछ ही दूरी पर बनाया जा रहा है ताकि इस इतिहास को एक बार फिर से जिंदा किया जा सके। उम्मीद है कि आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।